एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम का टॉपिक, जो कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी अपनी नंबर सिस्टम की। उसमें हमने एनी बेस टू बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद बेस 10 से किसी अनदर बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब हमने सीख लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक बेस से किसी दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस चैनल की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। कन्वर्जन फ्रॉम एनी बेस टू एनी बेस, हमें कोई भी एक बेस गिवन है उस बेस से किसी दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने किसी एक बेस से बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सीख लिया है, और बेस 10 से किसी अनदर बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी कर लिया है। आज हम करेंगे किसी बेस X में अगर हमारा कोई नंबर है तो उसको बेस Y में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा इंटरमीडिएट नंबर सिस्टम है वो क्या है, बेस 10, कि उस बेस X को जो हमें गिवन है उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, देन उस डेसिमल में जो हमारी वैल्यू आएगी उसको दोबारा से कन्वर्ट करेंगे बेस वाई में। उसके बाद ही हमारा कोई नंबर बेस एक्स से बेस वाई में कन्वर्ट हो सकता है। और जब हमारा कोई नंबर हो 2 की पावर में, मींस बेस 2 हो, 4 हो, 8 हो या फिर 16 हेक्साडेसिमल हो, उस केस के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम पहले सिंपली क्वेश्चन करेंगे कि किसी कोई भी बेस हो अनदर बेस फ्रॉम 2's पावर। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, 1 1 0 2 0 बेस 3, और इस बेस को हमें कन्वर्ट करना है बेस 5 में। तो इसको हम कैसे करेंगे कन्वर्ट, 1 1 0 2 0 बेस 3 गिवन है, सबसे पहले तो हमें इस बेस 3 को कन्वर्ट करना होगा बेस 10 में। देन उसके बाद जब हमें बेस 10 के लिए नंबर मिल जाएगा कि क्या हमारी रिप्रेजेंटेशन है, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे हम बेस 5 में, तब हमारा आंसर फाइंड होगा। तो बेस किसी भी एक बेस से बेस 10 में हम कैसे कन्वर्ट करते थे, मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमें बेस गिवन है उसकी पावर से, और पावर कैसे चलेंगी, 0 1 2 3 4। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है हमें, 0 × 3⁻⁰ प्लस 2 × 3⁻⁰ प्लस 0 × 3⁻⁐ प्लस 1 × 3⁻³ प्लस 1 × 3⁻⁴। तो यहाँ पे जो ज़ीरो वाली रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी कैंसिल हो जाएगी। देन उसके बाद हमें क्या आउटपुट मिलती है, 3⁻⁴ 81 प्लस 3⁻³ 27 प्लस 3 × 6। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 87 प्लस 27 114 बेस 10। तो हमें 1 1 0 2 0 बेस 3 से बेस डेसिमल में क्या नंबर मिला, 114। अब हम कन्वर्ट करेंगे बेस 10 से बेस 5 में, और किसी डेसिमल बेस से बेस 5 में या किसी अनदर बेस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, हम डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हैं, और वो डिवीज़न हमारा कंसेक्यूटिव डिवीज़न होता है, मीन्स सक्सेसिव डिवीज़न, जब तक हमारा नंबर हमारी प्रॉपर रेंज में नहीं आता जो हमें बेस गिवन है, तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। तो 114 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 × 2 = 10, 1 रिमाइंडर बचा, 5 × 2 = 10, 4 रिमाइंडर बचा, 4 को हम लिखेंगे यहाँ पे, देन उसके बाद दोबारा से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 4 = 20, देन 2 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे हमारा दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता, और इस नंबर को हम कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लेस सिग्निफिकेंट, मीन्स 4 2 4। ये हमारा बेस 5 में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन क्या था, 1 1 0 2 0 बेस 3, और उसको हमने कन्वर्ट किया है बेस 5 में। तो हमारा आंसर क्या आया है, 4 2 4 5। अगर हमारा नंबर होता 2's की पावर में तो हम ये मेथड भी अप्लाई कर सकते थे, उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 3 3 0 1 3 3 0 बेस 6, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो सेम रूल अप्लाई करना है, पहले बेस 6 को कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, देन बेस 10 से कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में। तो बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, 0 1 2 3
मीन्स 0 × 6⁻⁻⁶ + 3 × 6⁻⁻⁶ + 1 + 3 × 6⁻⁻⁶ + 1 × 6⁻⁴3 6⁻⁶ 216 + 6⁻⁶ 36 × 3 108 + 18 + 0 तो यहाँ से हमें क्या आंसर मिला 216 108 18। यहाँ पे हमें क्या मिला 342 base 10। अब हमें इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है बेस 8 में, और डेसिमल से किसी अनदर बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या डिस्कस किया था अभी हमने, डिवीजन रूल। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 342 divide 8 8 4 ज़ा 32 2 8 2 ज़ा 16 6 remainder बचेगा 8 5 ज़ा 40 2 remainder बचा। देन उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ रीड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आया 526 base 8। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन थी बेस 10 में और हमें इसको कन्वर्ट किया है बेस 8 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि डेसिमल में है, तो डेसिमल वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। 3 2 1 जो हमारा डेसिमल होता है इससे लेफ्ट साइड का जो पोर्शन होगा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 1 2, और जो डेसिमल से राइट साइड का पोर्शन होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 -2 से। सेम बेस 4 है तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, देन बेस 10 को कन्वर्ट करेंगे बेस 7 में। तो 3 2 1 point 1 2 base 4 0 1 2 -1 -2। तो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, 1 × 4⁴ + 2 × 4⁴ + 3 × 4⁴। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 × 4 = 16 × 3 = 48 + 4 × 2 = 8 + 1, और साथ में 1 × 4⁻⁻⁺ + 2 × 4⁻⁻⁺। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 / 4, माइनस में पावर है नीचे डिवाइड होके प्लस में हो जाएगी। 1/4 को हम लिखेंगे 0.25 + 2/16 = 1/8, इसको हम लिखेंगे 0.125। तो 2 decimal तक भी रख सकते हैं, 0.12 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 48 + 8 + 1 मीन्स 57 + 0.37 0.25 0.125 73। 2 decimal तक लिख लेते हैं 57.37 base 10। हमें 57.37 base 10 मिल गया, बेस 4 से कन्वर्ट किया बेस 10 में। अब इस बेस 10 से कन्वर्ट करना है बेस 7 में। सेम जो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, और जो डेसिमल के बाद का पार्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। वो कैसे करेंगे अभी वो भी डिस्कस करते हैं। 57 को डिवाइड किया 7 से, 7 7 ज़ा 49 7 8 ज़ा 56 1 remainder बचा 7 1 ज़ा 7 1 remainder बचा। मीन्स हमारा डेसिमल से लेफ्ट साइड का पार्ट क्या आया, 111 decimal। अब बेस 7 है 0.37, अब 0.37 मल्टीप्लाई बाय 7 7 7 ज़ा 49 7 3 ज़ा 21 + 4 25। अब जो डेसिमल से इधर वाला पार्ट होता है इसको हम यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं, दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 9 ज़ा 63 6 7 5 ज़ा 35 35 + 6 41। मीन्स 4 आया डेसिमल से इधर, तो 4 को उठाया और यहाँ पे पिक कर दिया। तो जो 3 2 1 point 1 2 base 4 था उसको बेस 7 में कन्वर्ट करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 111.24। तो आज की क्लास में हम यही क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किसी भी एक बेस से किसी अनदर बेस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट बेस को, मीन्स बेस 10 को। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जब हमारी जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो 2 की पावर में, यानी कि जो बेस है वो 2 है या 4 है 8 है या फिर हेक्साडेसिमल 16 है, उसमें हम कैसे शॉर्ट ट्रिक करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
एनी बेस टू एनी बेस, लेकिन वो होगा हमारा 2 की पावर में। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।